स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा एप्टीट्यूड का सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप एक और फर्स्ट वाला जो मेरा वीडियो है उसको आप देख लो, ठीक है। हो सकता है ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, ठीक है, वर्ग निकालना, घन निकालना, ये सब आपको पहले से आते हों, लेकिन फिर भी जब बेसिक से वीडियोस बनाई जाती हैं तो ये सारी चीज़ों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम लोग सरलीकरण करते हैं, सिंप्लीफिकेशन जब आप करते हो, या कोई भी इस तरह का टॉपिक जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है सारी निकालना, ठीक है। अब देखो, कल की हम लोगों ने वीडियो में देखा था स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आज हम लोग देखते हैं क्यूब कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर इसका तरीका ध्यान रखना। मैं टू डिजिट के क्यूब के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं टू डिजिट के क्यूब के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, थ्री डिजिट के क्यूब के बारे में ज़रूरी नहीं है। टू डिजिट के क्यूब तक ही आपका आंसर आराम से आ जाएगा, हर तरह की कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये ए और यहाँ बी लिखा हुआ है, ये जो मैंने 16 लिखा हुआ है इसको ज़रा ध्यान से देखो, इस 16 का मुझे निकालना है क्यूब, यानी कि इस एक को मैं मान लूंगा ए, इस 6 को मैं मान लूंगा यहाँ पर बी। अब आपको करना क्या है, ए और बी ये सब दे के रखें, ये एक को मैं ए की जगह पर क्या रख दूंगा, एक रख दूंगा, ये बी की जगह पर क्या रख दूंगा, 6 रख दूंगा, उसके बाद में ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या दिया है बी, इसका गुणा कर दूंगा, फिर क्या दिया है ए दिया है, ए क्या दिया है एक दिया है, बी का स्क्वायर निकाल दूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो करना क्या होता है हमें कि ए का क्यूब बी का क्यूब तो आ चुका है, फिर बीच में जो ये वैल्यू हमें दे के रखी है, जो बीच में हमें दे के रखी है, इसको दुगना करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर b और ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर। बस अब आपका यहीं से सारे के सारे आंसर आना शुरू हो जाएंगे। ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, 16 लिखा हुआ है यहाँ पर, इस 16 का मुझे निकालना है क्यूब निकालना है, तो बस कुछ भी नहीं करना मुझे यहाँ पर। अब इसे करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एक का क्यूब निकालेंगे, एक का क्यूब कितना है, एक दिया है तो एक का क्यूब एक होता है, कितना दिया है 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। ए का स्क्वायर इंटू बी यानी कि ए का स्क्वायर इंटू बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद ए बी का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब मुझे इसका दुगना करना है 12, इसका दुगना करना है कितना मुझे, 72 हो जाएगा। बस अब आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना जरा, ये 6 दिया है ना, इसे ऐसा का ऐसा उतार लो, फिर क्या दिया 21 दिया, इस 21 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आके जोड़ देंगे, तो 2 1 यहाँ जोड़ दिया, 6 7 8 9, इस 9 को मैं यहाँ लिख लूंगा, फिर जो भी मेरे पास में दे के रखी है सेकंड वाली चीज़, जो भी दे के रखी है इस पर सर्कल लगा लो, 7 और 3 हो गया 10, 10 और 2 हो जाएगा 12, ये 12 को मैं इस तरफ आके जोड़ूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 10 का 0 ले लो, यहाँ हो जाएगा भाई यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने कितना जोड़ दिया 1 जोड़ दिया यहाँ पर मैंने, तो 1 2 और कितना हो जाएगा 3, ये जो 3 है ना ये आगे वाले में जोड़ दो, तो 3 और 1 कितना होगा 4, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। मेरी बात को फिर से सुन लो, जो भी बीच में आप लिखोगे उसका दुगना करके यहाँ लिख दो और जोड़ते चले जाओ। जोड़ना कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले हम लोगों को जो अंक दे के रखा है, जिस 6 दे के रखा है यहाँ पर, तो 6 को सबसे पहले उतार लो, फिर जो भी बचा हुआ है उसको अगले में जोड़ दो, फिर इसमें से पहला वाला जो हमें दे के रखा है उसे लिख लो, बगल में जो भी चीज़ें हमें दे के रखी हैं उस पर उनको जोड़कर अगले में जोड़ दो, फिर यहां पर क्या करना है इस वाले को लिख लो, जो भी जुड़ के आपस में कैरी आ रहा है उसे अगले में लिख दो, फिर ऐसे ही अगले में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और देखो फिर इसके बाद में, चलो ये आपको आ गया अच्छे से समझ में, तो अगला वाला भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कितना 31, 31 का मुझे निकालना है, ये जो मैंने लिखा हुआ 31, इस 31 का मुझे क्यूब निकालना है। 31 का क्यूब निकालेंगे कैसे, 3 का क्यूब निकाल लो कितना होगा, 27 होगा, 1 का क्यूब निकालूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इस वाले में रख दो इसे, इसको तुम ए मान लो, इसको तुम फिर बी मान लो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का गुणा 1 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9, फिर यहाँ पे 3 लिखूंगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 का 3 ही रहेगा, 9 का दुगना करना है 18, 3 का दुगना करना है तो 6, बस इसको आपको जोड़ना है, 1 ऐसे लिख दो, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 8 कितना होता है, 17 का 7, 1 जुड़ जाएगा यहाँ पर, 1 और 1 होता है 2, 2 जाएगा यहाँ पर, 7 और 2 होता है 9,
और इसके बाद दो अकेला है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और देखो फिर इसी तरह से आसानी से सारी की सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, बस चीज़ों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 66 लिखा हुआ है। इस 66 का मुझे निकालना है क्यूब, क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको मान लूँगा ए, इसको क्या मान लूँगा बी। ए का क्यूब निकालो कितना होगा, 216। फिर यहाँ पर मुझे बी का क्यूब लिखना है, ये भी कितना होगा, 216 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में तो आ ही चुकी है, आ अगर चुकी है तो फिर आप इसको क्या करो, मिटा दो। ठीक है, चलो 6 का क्यूब मैंने निकाला 216, इधर से 6 मैंने निकाला 216 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे फॉर्मूला भी रखना है। फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, ए का क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ लिखा था मैंने बी का क्यूब। ठीक है, बस ए का क्यूब निकाल दिया, यहाँ से बी का क्यूब निकाल दिया, इस वाले को देखो ज़रा क्या हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू 6, ये भी कितना हो जाएगा, 216। फिर यहाँ पर क्या करूँगा, ए बी का स्क्वायर, बी के यानी ये दिया हुआ है 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216। फिर इसको दुगना करना है तो 432, इसको दुगना करेंगे 432, आप कुछ नहीं करना आंसर आ जाएगा। कितना दिया है, 6 दिया है। 21 को क्या करूँगा, अगले में जोड़ दूंगा तो 2 और 1 हो गया 6, 7, 8, 1 कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 3, 4, 5, 6, इसको मैं कैरी लिख लूँगा, 6 हो गया। 4 और 2 कितना हो गया, ये भी 6 हो गया, 66। यानी कि 66 को अगले में जोड़ देंगे, 6 × 12 और 2 × 14 का 4 लिख दो, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 का 1 यहाँ पर लगा दिया मैंने फिर 1, तो कितना हो जाएगा, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 71 बचा। 71 को मैं यहाँ जोड़ दूंगा, 7, 6 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दिया मैंने 7, 7 और 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा 8, और कितना बचा है, 2 बचा है, उसे एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसे लिखोगे तो आपको आसानी से सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कुछ भी कठिन नहीं है, समझने की देर है बस। चलो और देखो फिर आगे की चीज़ों को, फिर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर मानवे। ठीक है, 92 लिखा हुआ है, 92 का मुझे वर्ग निकालना है। चलो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 8 होता है। ठीक है, ए का स्क्वायर यानी कि ये क्या हो गया अपना, ए हो गया, और ये वाला क्या हो गया, बी। ए का स्क्वायर कितना होता है, ए का स्क्वायर हो जाएगा अपना, यानी कि 9 दिया है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 का दुगना, अब 81 ए का स्क्वायर हो गया, यानी कि जो ए का स्क्वायर दिया है वो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 81, 81 का गुणा मैं 2 में करूंगा तो हो जाएगा 162 हो जाएगा। इसी तरह से इसको निकालूंगा मैं तो 9 यहाँ पर लिखा रहेगा, और 2 का स्क्वायर यानी कि 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसका दुगना कर दो, दुगना करोगे तो 162 का मैं जब दुगना करूंगा तो ऐसे किया करो, 150 दुनी कितना होता है, 300, और 300 यानी कि 150 से कितना ऊपर है, 12 है, तो 12 का दुगना कर दो 24, तो 324 हो जाएगा ये। ठीक है, 324 हो गया यहाँ पर ये। 36 का कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ऐसे क्या ऐसे 8 लिख दो, 6 और 2 कितना होता है, 8 लिख दो, 7 और 3 कितना होता है भाई, 10 होता है। ठीक है, वो 10 कहाँ पर जाएगा, वो 10 को आप सीधे सीधे यहाँ पर लिख दो, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 होगा, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर मैंने कैरी लिख दिया। ठीक है, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, तो 49 को आप यहाँ लिख दो, तो 9 और 9 कितना होता है, 18 होता है, 18 का 8 लगेगा यहाँ पर 1, 4, 5, 6, 7 यहाँ लिख दो, 7, और 1 और दिया है तो ये भी हो जाएगा 7। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आसानी से इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 92 का भी आपको आ गया निकालना। अब देखो आगे का और देखो ज़रा, एक और दिया हुआ है, इसके बाद देख के रखा है मुझे यहाँ पर 99, मुझे 99 का यहाँ पर निकालना है क्यूब। 99 का क्यूब निकालने के लिए मैं करूँगा क्या, वही चीज़ जो अभी तक मैं करते आया हूँ। 9 का क्यूब निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 729 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 का क्यूब करूँगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 729 होगा। ठीक है, ये मेरा ए और ये हो गया बी। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, ए की जगह पर क्या दिया है, 9 दे के रखा है, 9 का स्क्वायर 81, 81 का गुणा फिर से 9 में, तो फिर से कितना आएगा, 729 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आएगा, 729। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दोनों डिजिट सेम होती हैं, दोनों डिजिट सेम होती हैं, तो आपकी चारों की चारों संख्या जो होंगी इसी तरह से आएंगी वो। ठीक है,
चलो इसका मुझे दुगना करना है, तो 700 का दुगना कितना होता है 1400, और 29 का दुगना होता है 58, तो कितना हो जाएगा 1458। यहां पर भी बिल्कुल वही की वही कहानी, 1458 यहां पर भी जोड़ दो। अब बस आप इसको जोड़ दो आसानी से, कुछ भी नहीं है। 9 बिल्कुल इसी तरह से लिख दो, फिर जो यहां पे 72 दिया है, ये 72 को मैं अगले वाले में मैं जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 72। 9 8 17 और 2 19 का 9, फिर यहां जाएगा 1 7 8, 7 के बाद में ये हो गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 5 15 का 5, 15 5 यहां लिख दिया 1, 7 4 11 1 12, 12 का 2 लगेगा यहाँ पर 1, कितना हो जाएगा 225। इस 225 को मैं कहाँ लिखूंगा, 225 को यहाँ लिख दूंगा। 9 8 17, 17 और 5 कितने होते हैं 22, 22 का 2 यहाँ लगेगा 2, ये कितना हो गया 6, 6 और 5 कितना होता है 11, अब 11 का 1 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं। 7 4 कितना होता है 11, 12 13 और 14, 14 का 4 यहाँ पर 1, ये कितना हो जाएगा 241, 241 को यहाँ लिख दो। 9 और 1 10, 9 और 1 कितना होता है 10, तो पहली संख्या है ना, पहली संख्या तो यहाँ लिखाएगी 10 0, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6 7, अब 7 यहाँ लिख दो, और 7 और 2 कितना हो गया 9 लिख दो। लास्ट में जब भी मैं लिखता हूँ तो पूरे एक साथ लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर जब भी मैं लिखूंगा तो पहले अंक को ध्यान दिया जाता है, पहले अंक को ध्यान दिया जाता है, पहले अंक को ध्यान दिया जाएगा, पहले वाले में जोड़ते चले जाओ, बस उन्हीं को जोड़ना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो तरीका आपको आसानी से समझ में आया होगा, इसी तरीके से हम सारी की सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इन सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से देखना, इसको नोट कर लो अभी फिलहाल के लिए अच्छे से। ठीक है, अब आपके सामने ये लिखे हुए हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, पहले वर्ग निकालना सीख लिया, फिर हमने घन निकालना सीख लिया, क्यूब निकालना सीख लिया, उसके बाद में हमने स्क्वायर रूट देखते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। ध्यान से देखो, बहुत आसान होता है स्क्वायर रूट को भी निकालना। ठीक है, समझने के लिए थोड़े से एग्जाम्पल ही काफी है। आप इसको ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर लिखा क्या है, लिखा है 27 और 04 लिखा हुआ है। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए हमें, ठीक है, वर्गमूल निकाल रहे हैं हम लोग, वर्गमूल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वर्गमूल की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर कितना लिखा हुआ है 27 04 लिखा है अंदर। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हम लोग को स्क्वायर निकालने के लिए इन दोनों चीजों पर ही ध्यान दिया जाता है सबसे पहले। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो यहां पर आप ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा है 4। मुझे यहां पर 1 से लेकर 10 तक के जो मैंने वर्ग लिखे हुए हैं, इसमें बताओ इनका वर्ग निकालने के बाद में इकाई अंक कौन कौन सी जगह पर 4 आ रहा है। आप बोलोगे सर 8 में आ रहा है 4 लास्ट में, और किस में आ रहा है 2 में आ रहा है 4 लास्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 यहां आ रहा है, या तो हो सकता है वो किस में 2 में, या फिर हो सकता है वो 8 में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, ये जो मुझे यहां पर देके रखा है 27, ये 27 किन दो वर्गों के बीच में आता है, तो मुझे ध्यान से देखूंगा तो 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, यानी कि 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आपका क्या आता है 27, 25 और 36 इन दोनों के बीच में आता है 27। फिर मुझे तीसरी चीज, मुझे यहां पर क्या करना है, ये जो 5 दिया हुआ है मुझे, इस 5 का गुणा मैं किस में करूंगा 6 में करूंगा। जो भी संख्या दी है उसकी अगली संख्या में मुझे इसका गुणा करना है, तो आ जाएगा यहां पर कितना 30 आ जाएगा। उसके बाद चौथी चीज हम लोग को ये ध्यान देनी है कि ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है 27, क्या ये से यहाँ पर आपको ये पहचानना है कि ये जो 27 है, ये 27 इस 30 से छोटा है या बड़ा है। आप कहोगे कि ये जो 27 है इस 30 से छोटा है, अगर 27 छोटा है इससे तो फिर छोटी वाली संख्या आएगी, और यहाँ हमेशा 5 लेना ही लेना है आपको, तो यहाँ पर कितना आएगा 52 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और क्वेश्चन कराता हूं मैं ताकि आपको बहुत आसानी से सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएं। हर बार यही यही करना है, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन जब कुछ बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आसानी से समझ में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखो 6 1 लिखा हुआ है। फिर वही बात, मुझे क्या करना है, जब मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ, वर्ग निकाल रहा हूँ, तो मुझे दो संख्याओं के ऊपर गौर करना है। ध्यान से देखो कितनी संख्या, दो के ऊपर ध्यान से देखना है। फिर मुझे पता करना है कि यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 किस किस में आ रहा है, यहाँ पर किनका वर्ग निकालने पर इकाई संख्या 1 आ रही है, तो मुझे पता है यहाँ पर कितना लिखा हुआ है। यहाँ पर यहाँ अगर देखोगे तो 9 में इकाई संख्या 1 आ रही है, और दूसरा 1 ऐसा है जिसमें 1 आता ही है, तो इसका मतलब 1 या 9, या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा 9। उसके बाद मुझे क्या करना है, इन दोनों पर गौर करना है,
ये दोनों की दोनों 65 जो लिखा हुआ है 65 किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है। आप कहोगे सर 8 का वर्ग निकालोगे तो 64 आता है और 9 का वर्ग निकालोगे तो 81, तो 64 और 81 के बीच में कहीं ना कहीं 65 आता है अपना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है फिर उसके बाद, जो भी 8 दिया है इस 8 का गुणा इसी की अगली संख्या में मुझे करना है, तो 8 9 कितने होते हैं 72 होते हैं। फिर मुझे क्या करना है इस 65 को, 65 को तुलना करना है मुझे, 65 का कंपैरिजन करना है इस 72 से, तो मुझे पता है 65 क्या है, छोटा है 72 से। अगर 65 छोटा है इससे तो छोटी वाली संख्या आएगी, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ तो आपको ये लेना ही लेना है पहली वाली संख्या और यहाँ पर कितनी छोटी संख्या आ जाएगी, तो 81 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 81 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ये भी आपको आ गया समझ में। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है तीसरा, क्या लिखा हुआ है 7921, ये लिखा हुआ है मुझे यहाँ पर। इस 7921 को क्या निकाल, कैसे निकालूंगा मैं, बस 21 को देखो, 21 में क्या है दिया है, एक दिया है, एक किस किस में आता है, एक तो इसमें आता है और 9 में आता है एक, तो मुझे बस इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ आ जाएगा एक और यहाँ आ जाएगा 9। फिर मुझे देखना है 79 दिया हुआ है, 79 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 79 कहाँ आ जाएगा, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग कितना 81, तो 8 और 9 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा ये, ठीक है, 8 और 9 के बीच कहीं आएगा। फिर क्या करता हूँ मैं, इसी 8 का इसी की अगली संख्या में मैं दे देता हूँ मल्टीप्लाई, तो 9 8 कितना होता है 72। फिर क्या करता हूँ मैं, इस 79 को इससे कंपेयर कर लो, तुलना कर लो, 79 छोटा है या बड़ा है 72 से, तो 79 बड़ा है, अब की बार बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या लूंगा, बस आपका आंसर आ गया 8 और यहाँ पर कितना हो गया 9। हमेशा ये वाली संख्या तो लेनी ही है आपको, ठीक है। चलो ये भी आ गया आपको समझ में। अब इसके बाद देखो फिर क्या लिखा हुआ है, और देखो जरा क्वेश्चंस को अच्छे से, क्या लिखा है 12996 ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो जरा ध्यान से, ये 96 दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, 96 में क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पर, 6 दिया हुआ है। ध्यान रखना हमेशा दो ही शब्द, दो ही अंकों को देखना है मुझे यहाँ पर, दो ही अंकों को देखना है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं, तो उस दो अंकों में से भी आप इस पर गौर करो कितना दिया है, 6 दिया है, 6 किस किस में आता है, 6 अपना 6 में आता है, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ मैं पहले, तो 36, 6 का वर्ग जब मैं निकालता हूँ 36, तो 6 यहाँ आ जाएगा, और कहाँ पर है, जब मैं 4 का वर्ग निकालूंगा तो 6 यहाँ पर भी आएगा, तो या तो हो सकता है 4 या हो सकता है 6। अब यहाँ पर देख लो, बताओ किन दो वर्गों के बीच में आता है ये, तो इसका मतलब अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो कुछ मैं और भी लिख सकता हूँ, 10 हो गया, 11 का वर्ग कितना होता है 121 हो गया, 12 का वर्ग निकालूंगा मैं तो वो कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144, तो यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये तो 11 और 12 के बीच में है, 11 और 12 के किस में है, बीच में। फिर बस मुझे क्या करना है, ये जो 11 दिया है इसका गुणा मैं किस में कर लूँगा, 12 में कर लूँगा, ठीक है, तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, 22 हो जाएगा 2, 11 कितना हो जाएगा 13, 132। देख लो 129 क्या है, छोटा है किससे, 132 से, अगर ये छोटा है तो छोटी वाली संख्या को लूँगा, यहाँ मुझे पहली संख्या तो लेनी ही है, 114 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई, और देख लो चीज़ों को अच्छे से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर इसके बाद देखो 27556 मुझे दे के रखा है, दो ही अंकों को ध्यान देना है मुझे, 6 दिया हुआ है लास्ट में, तो 6 में आ सकता है और 4 में भी 6 आ सकता है, तो या तो 4 लो और क्या ले सकते हो, 6 ले सकते हो। फिर 275 दे के रखा है, किन दो वर्गों के बीच में आता है ये 275, किन दो वर्गों के बीच में आता है, तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो 275, देखो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का 169 होता है, 14 का निकालूंगा तो कितना होता है 196 होता है, 15 का निकालूंगा तो कितना होगा 225 होता है, 16 का वर्ग निकालूंगा तो कितना होता है 256 होता है, ठीक है 256 और आगे करना पड़ेगा, 17 का वर्ग निकालूंगा तो कितना होगा 289 होगा, ठीक है। तो अब देखो ज़रा यहाँ से, ये 16 हो गया और ये वाला कितना हो गया 17, 16 का वर्ग और 17 के वर्ग के बीच में 275 आता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 16 का गुणा मुझे करना है किसमें, 17 में करना है, 16 का गुणा 7 में करूंगा मैं तो 16 सत्ते कितने होते हैं 112, 112 का 2 यहाँ लगेगा 11 लग जाएगा, 16 एकम 16, तो 16 और 10 कितने होते हैं 26 और 1 27, तो 200 कितना हो जाएगा ये 72। अब देखो 272 क्या है, इस 275 से छोटा है, यानी कि जो मुझे 275 दे रखा है वो इस 272 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो बड़ी वाली वैल्यू लो, यहाँ तो छोटा, यहाँ तो 16 के 16 आएगा ही, तो 166 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है।
ये एक आप करके देख लेना, बहुत आसान है, मैं इसको बता देता हूँ। थोड़ा सा लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, अब देखो ज़रा ध्यान से। इसमें कन्फ्यूज़ इसलिए होते हैं क्योंकि ये तुलना करते समय बराबर हो जाता है। सबसे पहले वो ये कि 96 को देखो, अब 6 आ रहा है इसमें, 6 किस में आएगा, 4 में आएगा और 6 में आएगा, तो या तो 4 होगा या 6 होगा। 12 को ध्यान से देखो, 12 किन दो वर्गों के बीच में आता है, तो 12 आता है हमारा किसके बीच में, 3 के बीच में और 4 के बीच में। फिर क्या करूँगा, 3 को लिख लूँगा, इसी की अगली संख्या को लिख लो, 3 और 4 कितना होता है, 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। अब ध्यान से देखो, ये भी 12, ये भी 12, अब मैं कौन सी संख्या को लूँ, अब मैं कौन सी संख्या को लूँ। तो जब भी आपकी संख्या बराबर हो जाती है तो हमेशा बड़ी वाली संख्या को ही प्रायोरिटी दी जाती है, हमेशा बड़ी संख्या को ही लिया जाता है। यहाँ मुझे 3 तो लेना ही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप बड़े अच्छे से देखना, आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर क्यूब रूट, यानी कि मुझे निकालना है घनमूल। घनमूल निकालने के लिए अपन को करना क्या है, बस आपको थोड़े बहुत ही स्क्वायर यहाँ पे घनमूल आपको अगर निकालना है तो आपको इनके क्यूब पता होना चाहिए बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये कुछ क्वेश्चन है, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे किस तरह से निकालना है किसी भी चीज़ के घनमूल को। अब इसे ध्यान से देखो ज़रा, करना क्या है मुझे यहाँ पर, मुझे दिया है 103823। जब मैं स्क्वायर रूट निकालता था, जब मैं वर्गमूल निकाला करता था, तब मुझे यहाँ की दो संख्याओं को ध्यान देना पड़ता था, लेकिन जब मैं यहाँ पर क्यूब रूट निकाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 संख्याओं से लेना देना होगा मेरा, यानी कि इसमें भी इकाई अंक को ध्यान से देखो, 3 संख्याओं को देखो पहले तो, फिर दूसरी बात इसके इकाई अंक को देखो कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। अब 3 देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ लास्ट में आ रहा है, तो मुझे पता है सिर्फ 7 का क्यूब निकालूंगा तो ही मेरे पास 3 आएगा, बाकी कहीं पर भी नहीं आएगा। तो वर्गमूल थोड़ा सा कठिन होता है घनमूल की कंपैरिजन में, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से इसे देखो, जब 823 मैंने निकाला तो इससे मुझे पता चला कि लास्ट में सेकंड डिजिट मेरी क्या आएगी, 7 आएगा आंसर में। अब ध्यान से देखो कितना दिया है, 103, 103 किसका क्यूब में आता है, किसके दो, किस किन दो क्यूब के बीच में आता है, तो 103 मुझे जो दे के रखा है वो मेरा किसके बीच में आ जाएगा, 4 और 5 के बीच में आ जाएगा, 4 और 5 के बीच में 103 कहीं ना कहीं आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ, या तो 4 आएगा या फिर भाई 5 आएगा। हमेशा पहली वाली संख्या लेनी है, तो पहली वाली संख्या अब आप यहाँ पर रख दो तो कितना हो जाएगा, 47 आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है इसको निकालना, ठीक है। चलो फिर इसके बाद देखो भाई, यहाँ पर क्या दिया हुआ है मुझे, मुझे यहाँ दे के रखा है 531 और 441, ये दे के रखा है। अब यहाँ पर 3 संख्याओं को गौर करना है, 3 में भी इस इकाई अंक को देखो, 1 बताओ किसका घन निकालने पर लास्ट में 1 आता है, तो 1 आप अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, 1 से लेकर 10 तक के बीच में यदि मैं ध्यान से देखूंगा तो 1 ही है जिसके बीच में 1 आ सकता है लास्ट में, तो 1 में 1 आता है। तो ये बात तो तय है कि मुझे यहाँ पर जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 तो आएगा ही आएगा। दूसरी बात, 531 में जो निकालूंगा, ये 531 किन दो के बीच में आएगा, यानी कि 8 हो सकता है यहाँ पर, 531 और 9 हो सकता है, 8 और 9 के बीच में ही अपना क्या आ सकता है, 8 और 9 के बीच में ही 531 आएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 8, मैंने लिख दिया यहाँ पर 9, छोटी वैली मुझे इसी को लेना है सबसे पहले, तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाता है, 81 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो इसके बाद में फिर क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीसरे वाले को देखो, 493039। इसे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो इसको ध्यान से देख लो, 3 को, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 9 किस में आ रहा है, इनमें 9 सिर्फ किस में आ रहा है, 9 में ही आता है, 9 आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसमें 9 तो आएगा ही आएगा। इतना और पता कर लेता हूँ कि किन दो वर्गों के बीच में, किन दो क्यूब के बीच में 493 आता है, तो 493 को देखो ध्यान से, तो 493 7 और 8 के बीच में होना चाहिए, तो या तो 7 होगा या फिर 8 के बीच में होगा, ये 7 और 8 के बीच में, मुझे पता है 7 हमेशा लेना ही है, तो 79 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद और देखो आप, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर 50653। इसका मुझे निकालना है, वही बात, 3 संख्याओं को देखो क्या लिखा हुआ है लास्ट में, इकाई अंक 3 दिया हुआ है, 3 किस में आ रहा है लास्ट में, सिर्फ यहीं पे आता है, 7
यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो भी आंसर आएगा उसकी दूसरी डिजिट जो होगी मेरी वो 7 तो होगी ही होगी। फिर क्या दिया है मुझे यहाँ पर, 50 दे के रखा है। 50 किन दो घन के बीच में आता है, यानी कि 50 को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 50 किस में 3 और 4 के बीच में आता है, तो मैं लिख लेता हूँ 3 और क्या हो गया 4, बस 3 तो आपका आएगा ही आएगा, आंसर हो गया ये। ठीक है चलो, इसके बाद एक और बता देता हूँ, ये बड़ा वाला मैं, ये वाला आप करके देखना। ठीक है चलो, कल से मैं सरलीकरण बताऊंगा आप लोगों को, सिंप्लीफिकेशन 1295029। ठीक है चलो, इसे ध्यान से देखो, 3 संख्या लेनी है। सबसे पहले इकाई अंक क्या दे के रखा है, 9 दे के रखा है। बताओ 9 किस में आ रहा है, 9 आ रहा है सिर्फ 9 में। ठीक है 9 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, 9 तो 9 ही आ गया। तो बस इसका मतलब ये कि आपका जो भी आंसर आएगा, आपका जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसमें 9 तो आएगा ही आएगा लास्ट में। अब 1295 बताओ किन दो के बीच में आता है, यानी कि 1295 बताओ कहाँ पे आ सकता है। 10 और 11 के बीच में 1295 बिल्कुल आ सकता है। 10 और किसके बीच में, 11 के बीच में 1295 आ सकता है। तो मैं लिख लेता हूँ 10 और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 11 लिख देता हूँ। मुझे पता है पहले वाले को ही लेना है, तो कितना हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा, 9। बस यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा 109। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आज के लिए काफ़ी हैं, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सरलीकरण कराना शुरू करूंगा। ये जितना भी बेसिक पार्ट होता है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा।